टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 194 रन बनाए थे और भारत को 195 रनों का टारगेट दिया था। इस टारगेट को भारत ने धवन, कोहली और पांड्या की शानदार पारी के दम पर 19.4 ओवर में हासिल कर लिया। अब सीरीज का अगला मैच 8 दिसंबर को होने वाला है। टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वो सीरीज को 3-0 से जीते। हम आपको यहाँ बताने वाले हैं कि किन 5 हीरो के कारण टीम इंडिया ये मैच जीती। शिखर धवन पिछले कुछ मैच में रन बना रहे थे, लेकिन ठोस शुरुआत के बावजूद बड़े स्कोर को अपनी इनिंग्स में बदल नहीं पा रहे थे। सिडनी में दूसरी T20 में धवन ने लोकेश राहुल के साथ अच्छी साझेदारी की और टीम को मजबूत स्टार्स दिलाई, जिसका फायदा धवन को हुआ और उन्होंने 52 रनों की पारी खेली और जीत की नींव रखी। विराट कोहली को चेज मास्टर के रूप में जाना जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब भारत के 3 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद विराट ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एंड्रू टाय के 15वें ओवर में 17 रन बटोरे और मैच में टीम इंडिया को वापसी दिलाई। विराट कोहली ने ताबड़तोड़ 24 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने भले ही टीम इंडिया के लिए सिडनी के मैदान में 12 रनों की पारी खेली, लेकिन एडम जेम्पा के 18 ओवर में अय्यर ने एक छक्का और एक चौका लगाकर पूरे मैच को पलट दिया था, जिसके बाद दबाव भारतीय टीम की जगह ऑस्ट्रेलिया पर आ गया। इस जीत का कोई असली हीरो है तो वो कोई और नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या है, क्योंकि कप्तान विराट कोहली के आउट होने के बाद उन्होंने पारी को आगे बढ़ाते हुए जीत का स्वाद भारतीय टीम को चखाया। हार्दिक पांड्या ने सिडनी के मैदान पर 22 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल हैं। टीम इंडिया को दूसरे T20 में जीत के लिए आखिरी ओवर में 14 रनों की दरकार थी, जिसमें पांड्या ने सैम्स की पहली गेंद पर 2 रन लिए और उसके बाद दूसरी गेंद पर छक्का लगाया, तीसरी गेंद डॉट और चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। हार्दिक को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। भारतीय टीम के नए यॉर्कर किंग टी नटराजन का ये दूसरा T20 मैच था। नटराजन के कारण ऑस्ट्रेलिया भारत को सिडनी में 200 के पार का टारगेट नहीं दे पाई। जहां एक तरफ टीम इंडिया के गेंदबाज रन लुटा रहे थे, तो वहीं नटराजन ने कसी हुई गेंदबाजी की। नटराजन ने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए।